एक मुझको तू कर नहीं जाता। आकार में रियाज करना मुश्किल है थोड़ा, या फिर स्वरों में रियाज करते हैं तो आसानी होती है, तो क्या ठीक तरीका है? क्या हमें स्वर में रियाज करना चाहिए है, या हमें आकार में रियाज करना चाहिए, या हमें दोनों में रियाज करना चाहिए, और कैसे और कब करना चाहिए? तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि स्वर में रियाज करने में और आकार में रियाज करने में क्या फ़र्क होता है और कैसे हमें उनका रियाज जो है बैलेंस में लाना चाहिए। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, एक दिया है जो जला रखा है, तूने ये फूल। कतील शिफाई साहब का लिखा हुआ एक कलाम, उनकी गजल है, उसका मतलब अभी पेश किया आपके सामने, जो कि मेहदी हसन साहब की कॉम्पोजिशन है, उन्होंने ये गजल गाई है। तो आइए फिर से बात करते हैं, आते हैं उसी टॉपिक पर कि आकार में रियाज करने में और स्वर में रियाज करने में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब हम स्वर में रियाज करते हैं, क्योंकि स्वर हमारी जबान पे चढ़े हुए हैं, हमारे दिमाग में चढ़े हुए हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ सारे गा म प ध नि सा, तो आसानी से सारे गा म प ध नि सा हम गा पाएंगे। अगर मैं बोलूँगा सागर एम ग प म ध, तो भी आप एक बार के लिए वो अलंकार जो है, वो पलटा जो है, वो तान जो है, एक बार के लिए स्वर में लगा पाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग को ऑटोमेटिकली आदत होती है वो फ्रीक्वेंसी पकड़ने की, है ना। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के सोच रहे हैं कि सा से रे कितना दूर है, रे से ग कितना दूर है, नहीं। ये कुछ थोड़ा सबकॉन्शियसली हमारे अंदर जब स्वर बस जाते हैं रियाज करते करते, सुनते सुनते, तो एक आदत पड़ जाती है उन स्वरों को ऑटोमेटिकली लगने की, है ना। तो अगर आप कुछ और काम करते करते भी वो स्वर लगा रहे हैं, तो बनिस्बत आप आसानी से लगा पाएंगे, है ना। जैसे कुछ काम करते करते भी आपने सा रे ग म रे, रे प ग म रे नी, नी रे मा धा सा नी प ध म ग, ये मैंने लगा दिया आसानी से। लेकिन यही चीज़ जब मैं आकार में करने जाऊंगा तो मुश्किलात होंगी, है ना, मुश्किल आएंगी मुझे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सबकॉन्शियसली जो है स्वर जो है वो आसानी से बैठे हुए, आकार नहीं बैठा हुआ है, आकार का रियाज कम हुआ है हमारा। हम अधिकतर जो है स्वर में इतना रियाज करते हैं कि वो स्वर और वो फ्रीक्वेंसी, यानी वो अक्षर और वो फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी यानी वो स्वर का माप कि कितना ऊंचा है कितना नीचा है, वो आपस में इतना मैच हो रखे हैं कि जैसे ही हम सा रे ग म रे ग म प ग प सा नी म ध सा नी म ध म ग म रे, तो आसानी से निकल जाता है। लेकिन यही जब हम आकार में करने जाते हैं तो मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है हमारे दिमाग में, है ना। अब इसका क्या इलाज है? जब आप रियाज कर रहे हैं तो स्वरों के साथ साथ आकार का भी रियाज करना है, सीधी बात है, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। स्वरों आकार के साथ हमारी जो फैमिलियरिटी है, यानी जो अपनापन है, उसको हमें बढ़ाना होगा, है ना। तभी जाके हम वो आकार में भी वैसा ही कूद फांद जो है वो कर सकते हैं जैसे कि हम स्वरों में कर सकते हैं। आकार में क्या होता है, हम अधिकतर जब आकार की ताने हम लेते हैं तो बड़ी ही ऐसी ताने लेते हैं जिनमें स्वर आसपास के हों, है ना। अब ये मैंने क्या किया, सारे स्वर आसपास के ही थे, तो मेरी जो लड़ है वो आसपास बन गई, है ना, मेरे स्वर फिर भी लग गए। लेकिन यही अगर मैंने सा नी सा ग म ध प, सा नी सा ग म ध प नी रे म ग नी सा ध, इसका मुझे आकार करना है तो थोड़ी मुश्किल आएगी। आह, है ना, इसको मैं जल्दी करूंगा तो थोड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन यही मैंने स्वर में आसानी से बोल दिया, आकार में बोला तो मुश्किल आया। लेकिन आ, 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 आ,
आसपास के स्वर थे तो लग गए। तो हाँ, ऐसा होता है जरूर कि आकार में जब रियाज करते हो तो मुश्किल आती है, और यही जब आप स्लो में करते हो ना, कम गति में करते हो, तब भी मुश्किल थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन हाँ आसान हो जाता है। एकदम से स्पीड में आप अलंकार कर सकते हो, जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा तेज गति में, द्रुत गति में अलंकारों का रियाज अगर आप जब कर रहे होते हो तो हमारे स्वर तो लग जाते हैं, सारे गा मा बदा नी सा सा नी दा बा मा गा रे सा सा गा रे मा गा बा मा दा बा नी दा सा सा दा नी बा दा मा बा गा मा रे गा सा सारे गा मा बा गा मा बा दा मा बा दा नी बा दा नी सा सा नी दा बा नी दा बा मा। स्वर तो हम आसानी से बोलेंगे, लेकिन यही जब मैंने यहां थोड़ी मुश्किल आती है। जैसे ही मैंने बोला सा सा, तो जब सा बोलता हूं तब तो ऊंचा स्वर लग जाता है, लेकिन आ हा, तो ये जो आकार का पिच गया वो हो सकता है कई बार उतर गया या चढ़ जाता है, तो ये दिक्कत है, क्योंकि वो जो शब्द है हम उससे जुड़े हुए हैं सबकॉन्शियसली, उस शब्द से हमने अपने स्वर को बिठा रखा है ना। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल खेल है और ये आदत बन चुका है हमारा, ऐसा नहीं कि हम जानबूझ कर रहे हैं ऐसा, पर ये आदत बन गया है। तो आकार के साथ भी वैसी फैमिलियरिटी अपनाना पड़ेगा और आकार में भी रियाज करना पड़ेगा। जो जो स्वर में आप अलंकार कर रहे हैं उसी को आकार में भी कीजिए, कम गति में भी, तेज गति में भी। शुरू कीजिए इस लय से, सा रे गा। अगर इस गति से शुरू करते हैं तो इसमें आकार भी करना है आपको, और जैसे जैसे स्वर की गति बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप आकार की गति भी बढ़ाते जाएंगे। कुछ कुछ अलंकार हैं जो अलग अलग पैटर्न्स के, मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, है ना। जैसे हमारे प्रारंभिक अलंकार हैं वो तो है ही है ना। बाकी मैं आपको कुछ एक PDF का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो अलंकारों की थोड़ी मैंने बनाई हुई है ना, जो आपकी मदद आ जाएगी। ठीक है, तो बस यही कुछ टॉपिक है कि हाँ आकार में थोड़ी मुश्किल तो आती है, लेकिन हाँ हो जाएगा अगर आप करने जाओगे तो। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहे संगीत प्रभा वर्ल्ड की वीडियोस, एंड कुछ ना कुछ मैं लाता रहूंगा नए नए टॉपिक्स, एंड कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करता रहूंगा। एंड देखते रहें, मास्टर निशात प्रोडक्शंस को भी सब्सक्राइब करें एंड संगीत प्रभा वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, एंड कमेंट्स में बताएं कि आप क्या और चाहते हैं जिस पर हम वीडियो बना सकते हैं। शुक्रिया।